A very good morning, students. Today we are going to discuss about the dielectric constant. Last time हम लोगों ने देखा what is the dielectric and what is the polarization of the dielectric. तो इन दो concepts के बारे में हम लोगों ने study किया, ठीक है? So today we are going to discuss about the dielectric constant. कि dielectric constant क्या चीज होती है, ठीक है? So let's start with this dielectric constant. So see here, this one is the parallel plates having the positive and negative surface charge density. और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी इस चीज के बारे में देखा, that is the applied electric field. और इस dielectric के अंदर क्या होता था, एक induced surface charge density जो होती है वो produce हो जाती थी, जिसकी वजह से electric field produce होती थी, that is the induced electric field. And the total effect जो होता था इस dielectric के अंदर, that will be equal to the E. तो इसके इक्वलिटी ये आता था, ठीक है? तो यहाँ पे देखो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में हम देख रहे हैं, तो जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, के से रिप्रेजेंट किया जाता है. इट इज द रेशो. क्या होता है ये, एक तरह का रेशो होता है. किसके बीच का रेशो होता है, वह अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी अप्लाई की थी, एंड व्हाट वाज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी यहाँ पे रह रही है, ठीक है? तो इन दोनों की रेशियो को हम क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है. सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय के. सो दिस इज द एप्रोप्रिएट रिलेशन ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इसी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम फर्दर सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं. कैसे, जैसे वी नो दैट ई नॉट विल कम टू बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी. ये जो प्लेट्स के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? सिमिलरली ई रिप्रेजेंट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि ई जो होती है उसकी वैल्यू आएगी दैट इज सिग्मा माइनस ऑफ सिग्मा पी, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो इन दोनों वैल्यूज को उठाते हैं और इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो के विल कम्स आउट टू बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा माइनस ऑफ सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो हियर वी कैन से दैट एप्सिलॉन नॉट विल कैंसिल आउट इच अदर. तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स इन टर्म्स ऑफ दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी कम्स आउट टू बी सिग्मा माइनस ऑफ सिग्मा पी. सो दैट पर्टिकुलर रिलेशन इज कॉल्ड एज द डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोला जाता है. तो ये डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आता है इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इन टर्म्स ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी. ओके, नेक्स्ट हम यहां पे करेंगे रिलेशन बिटवीन द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी. कि भाई ये जो हमारे पास प्लेट्स के ऊपर चार्ज डेंसिटी थी, ओके, तो क्या बता रहा था मैं यहाँ पे, वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड द इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसको बोलते हैं, जो प्लेट के ऊपर चार्जेस की डेंसिटी होगी, दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी. इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी किसको बोला जाएगा, तो डाइइलेक्ट्रिक के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी डबल को होगी. तो इन दोनों के बीच का रिलेशन हम लोगों को ड्रॉ करना है, ठीक है? सो फॉर ड्रॉइंग द सॉल्यूशन वी नो द ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ऑफ EP. ये रिलेशन हम लोगों ने किया था कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी, जो कि इस डायलेक्ट्रिक के अंदर मूव करेगी, ठीक है? सो वी ऑल्सो नो दैट, अभी हमने थोड़ी देर पहले चेक किया डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बारे में पढ़ा, दैट इज ई नॉट ऑफ ओनर ई. तो यहां से हम क्या करते हैं, इस ई की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है? सो द ई विल कम्स आउट टू बी ई नॉट ऑफ ओनर के. सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर इन दिस इक्वेशन. So the E will come so to be, that is E naught minus of, not E naught, यहाँ पे आएगा हमारे पास क्या, E की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे E naught of over K, and here E naught minus of EP. तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, EP को उठा के इस तरफ ले जाते हैं और इसको उठा के इस तरफ ले जाते हैं, ठीक है? So here will come so to be EP will come so to be E naught minus of E naught of over K. So, as usual, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि वो E नॉट दोनों से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पे. तो E नॉट कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन K. इज इट? तो
तो यहाँ पे अब हम इन सभी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ई नॉट हैविंग द वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ई पी हैविंग द वैल्यू सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वैल्यू को उठाओ इनमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये बन जाएगा सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हियर विल कम्स आउट टू बी 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन के, तो एप्सिलॉन नॉट विल कैंसिल हियर। So, sigma p becomes out to be sigma, और यहाँ पे एलसीएम अगर हम k ले लेते हैं तो k माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो ऑब्वियसली फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग दैट k इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 1, k की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी ही होगी। क्यों बड़ी होगी? क्योंकि k जो होता है इट इज द रेशियो ऑफ द ई नोट टू दैट ऑफ द ई। देखो ई नोट जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज द ऑलवेज बी लार्जर, और इस डायलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो स्मॉलर ही रहेगी, ठीक है। तो ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी रहेगी, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है k की वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ पे हमें पता है k जो है हमेशा ग्रेटर देन 1 रहने वाला है, तो जब k ग्रेटर देन 1 रहने वाला है तो दैट मीन सिग्मा इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सिग्मा पी। तो यहाँ पे हमने ये शो कर दिया कि भाई इसके बीच का जो रिलेशन होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी और इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी का वो ये होता है, और इन केस जो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी मतलब चार्जेस की डेंसिटी जो प्लेट पर है वो ज्यादा रहेगी, और इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है जो कि डाइलेक्ट्रिक में डेवलप हो रही है वो हमेशा कम में ही रहेगी, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर के फैक्टर की वजह से ये सारा हो रहा है, ठीक है।